सरकार द्वारा चमोली घाट में प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों पर पुलिस के द्वारा की गई बर्बरता और लाठी चार्ज के विरोध में मसूरी में आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्थल से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पिक्चर पैलेस तक विरोध रैली निकाली, जिसके बाद पिक्चर पैलेस चौक पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के पुतले को आग के हवाले किया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने कहा कि प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार हिटलरशाही का रवैया अपना रही है, तो उन्हें लगा कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे पास आ रहे हैं, तो उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की और इसी कोशिश के बीच आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा भयावह लाठीचार्ज हमारी मातृशक्ति पर किया गया, जिनका योगदान इस उत्तराखंड को बनाने में रहा है, उस पर लाठियाँ चलाएगी, उनकी चूड़ियाँ तोड़ेगी, उनके सर फोड़ेंगे। और आप ये समझिए कि गाँव में महिलाएँ आर्थिक धुरी होती हैं, पूरा घर का काम करती हैं, जानवरों के लिए पूरा घास का प्रबंध करना पड़ता है, तो ऐसे में अब जब उनके पास टूटे हाथ होंगे, पाँव में चोट लगी होगी, तो कैसे वो अपने बच्चों को खाना देंगे, कैसे वो अपने जानवरों के लिए खाना करेंगे, तो सरकार कर क्या रही है। अब मैं समझता हूँ कि कल की घटना से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सत्ता में बैठने का 2 मिनट का भी अधिकार नहीं है, और ऐसी बड़ी घटनाएँ जब भी आंदोलन चलते हैं उन आंदोलनों को कुचलने का बिना सत्ता के ऑर्डर का कोई नहीं कर सकता है, तो इसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इन्वॉल्व है। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।